7 साल से अधिक पुराने वारंट थे, कई 10 साल से पुराने वारंट थे, अलग अलग हत्या के, लूट के, डाकूबाजी के, मारपीट के, इस प्रकार के वारंटों की शामिल हुई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और चुनाव को देखते हुए रायपुर पुलिस अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। अब रायपुर शहर में बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि शहर के स्थायी गिरफ्तारी और वारंटियों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस अभियान में रायपुर पुलिस, अलग अलग थानों के प्रभारी, अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। गिरफ्तारी वारंटों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। रायपुर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ, वारंटियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। नशे के खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी 2 दिन हमने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार बदमाशों के खिलाफ और वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया था, और हमने स्थायी वारंट और गिरफ्तारी वारंटों की तामील का अभियान चलाया था, जिसमें 300 के आसपास वारंटों की तामील हुई है और इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिससे जो अपराध है जिनका वहाँ पर ट्रायल चल रहा है उसके निकाल में भी इसमें सहायता मिलेगी, और जो अपराधी भाग रहे थे जिनको अपन पकड़ नहीं पा रहे थे, तो इस अभियान में 2 दिन के अभियान में हमने पकड़ा है और लगभग 300 के आसपास अपराधियों को हम जेल भेज रहे हैं। इसमें करीब कई 7 साल से अधिक पुराने वारंट थे, कई 10 साल से पुराने वारंट थे, अलग अलग हत्या के, लूट के, डाकूबाजी के, मारपीट के, इस प्रकार के वारंटों की शामिल हुई है, और इससे एक साथ जो अभियान चला है उससे निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को अच्छे से कराने में, शांतिपूर्ण कराने में हमको सहयोग मिलेगा। अभी मैंने बताया जैसे कि 300 वारंट, लगभग 300 से अधिक वारंटों की तामील हुई है पूरे जिले भर में। तो विशेष अभियान 2 दिन का था, तो इस प्रकार का अभियान जारी रहेगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस